चलिए नमस्कार मेरे प्यारे साथियों हरिश तिवारी आपका बड़ा भाई आपके सामने आ चुका हूँ बहुत ही शानदार आज की हमारी हरीश एक्सप्रेस वाली ट्रेन में तो मेरे साथियों सभी छोटे भाई बहनों का स्वागत है इस बहुत ही शानदार प्यारे से परिवार में जहाँ पे आपके बड़े भाई के द्वारा आपके लिए बहुत ही शानदार साथियों आज का जो कॉन्टेंट है वो लाया गया तो अपने सभी छोटे भाई बहनों से कहना चाहता हूँ साथियों की वो जवा के दबा के बार जल्दी से सेशन को लाइक करें शेयर करें आपके लाइक शेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लास में आज ऐसा क्या खास होने वाला मैं बता देता हूँ तो सुबह नौ बजे आप लोगों के लिए आपके बड़े भाई के द्वारा बहुत ही शानदार जो हरीश एक्सप्रेस ट्रेन है वो बजे आती है इसी तरह से सुबह दस बजे आपके लिए साहिल जो इसी तरह सुबह दस बजे आपके लिए जो आकाश सर है वो रीजनिंग की बहुत ही शानदार देखिए अपनी आकाश एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर आते हैं और इसी तरह से सुबह ग्यारह बजे आज आपके लिए देखिए साहिल सर आने वाले हैं अपने साहिल एक्सप्रेस को लेकर आज आप जानते हैं बहुत मजेदार बात है आज आपके लिए एक विशेष ऑफर भी है क्यों ऑफर भी यार ऐसा क्या है आज खास की आज ऑफर लेके आने वाले आज मैं बताना चाहूंगा बीच में थोड़ा सा आज साहिल सर के साथियों चलो अभी बता देता हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आज ये बेटा साहिल सर के यहाँ पे बेटा जो हमारा देखिए भतीजा है उनका नाम है गुन्नू हम प्यार से गुन्नू बोलते हैं तो उनका जन्मदिन है तो साहिल सर के बेटे का साथी जन्मदिन है जिस उपलक्ष्य में मैं विशेष तौर पर आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ और ये ऑफर क्या है ये मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद टेंशन ना लो ये ऑफर मैं बताने वाला हूँ सबके सब, सब सुन लीजिए ध्यान से लेकिन मैं बता चुका हूं देखिए साथियों यदि आप अपनी चीजों को प्रैक्टिस करना चाहते हैं बहुत डिटेल से तो हमारी ये जो तीनों की तीनों एक्सप्रेस ट्रेन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए साथियों इसी तरह से देखिए यदि आप यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ पे कैश दी मैथ्स कैश दी रीजनिंग और कैश दी साइंस में जुड़ सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी एप्लीकेशन पे साथियों यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया जो बैचेस है वो शुरू हो चुके हैं देखिए यदि आप बेटा यहाँ पे साइंस को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं फाउंडेशन की तरफ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं जहां पे आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों मिलने वाली है अब यहीं पे देखिए सबसे बड़ा ऑफर भी शुरू होने वाला है आपको बता दो कि आज जैसे साहिल सर की बेटी का जन्मदिन है तो मैंने विशेष तौर पर यहाँ पे अपने इस बैच के लिए आपके लिए एक ऑफर लेके आया हूं यदि आप यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं तो दो दिन मतलब आज और दिन मतलब आज है इक्कीस और आज, आज है 22 और कल है दिखे तेईस तो 22 और 30 फरवरी के लिए आपको हमारा साइंस फाउंडेशन बेटा जो बैच मिलने वाला है ये मिलने वाला है मात्र तीन सौ निन्यानवे रुपए के अंदर तो जो बच्चे वेट कर रहे हैं कि भैया हमें साइंस फाउंडेशन बढ़ना है ढंग से पढ़ना है तो आप आज और कल मतलब 22 और 23 फरवरी को इसे प्राप्त कर सकते हैं यहां पे मात्र तीन में यह सिर्फ दो दिन के लिए वैलिड है विशेष ऑफर के तहत में इससे कंप्यूटर पॉसिबल नहीं है अब मैं पहले बताऊं आप चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत बहुत ही बढ़िया होने वाली देखिए तो साथ देखिए आज हम बात करने वाले ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सारा का सारा जो कंसेप्ट है वो समझाने वाला हूं बहुत मजा आने वाला है बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो मानव का जो नहीं करते हैं। तो जल्दी से इस इवेंट को लाइक करो शेयर करो और मैं देखो बेटा बताना चाहता हूँ कि आज की क्लास हमारी बहुत बहुत, बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए देखिए हम जो बात करते हैं साथियों मानव के कंकाल तंत्र के बारे में क्वेश्चन का जो कंकाल तंत्र है वो काम कैसे करता है और हम जब बात करेंगे मानव के कंकाल तंत्र की हमें जरूरत क्या पड़ी है तो इन सभी सवालों का जो जवाब है वो आपको मिल जाएगा और बहुत ही बेहतरीन देखिए जाती है जो कंटेंट है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है चलिए हम जरा बात करते हैं किसके बारे में देखिए मानव के कंकाल तंत्र के बारे में आपको बता दूं कि हमारे शरीर का जो विकास होता है ना ये बहुत सारे तंत्रों से मिलकर होता है तो हमारे शरीर में देखिए मानव का जो कंकाल तंत्र है ये हमारी बॉडी को साथ साथियों एक शेप और जो संरचना है वो प्रदान करता है तो मानव शरीर को देखिए मानव शरीर को एक पूरी की पूरी स्थायी संरचना देने वाला जो तंत्र है ये कौन सा देखिए कंकाल तंत्र है तो इसी के थ्रू हमारे शरीर को जो संरचना है जो हमारे शरीर की देखिए जो स्ट्रक्चर होती है वो यहाँ पे मिलना शुरू हो जाती है किसके थ्रू यहाँ पे मानव के कंकाल तंत्र के थ्रू है ना बेटा एक मिनट ना बस थोड़ी बैटरी डाउन हो गई मेरी इसकी मैं बस चेक कर देता हूँ बैटरी है कि नहीं मेरे पास बस, बस एक मिनट बाली एक मिनट बस जब तक तो मेरे सभी साथी इसको शेयर कर दीजिए लाइक कर दीजिए वो की शानदार क्लास हमारी होने वाली बेटा जी बस एक मिनट वेट कीजिएगा थोड़ा सा मैं इसकी बैटरी चेंज कर दू यस हैव यस नाउ देखो हाँ साथियों साथियों वो थोड़ी सी ना मेरी इसकी बैटरी चेंज करनी थी मुझे देखो तो मैंने ये बताया आपको देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से कि हम जब बात करते हैं मानव के कंकाल तंत्र के बारे में तो हमारे शरीर को स्थायी संरचना कहां से मिल रही है कंकाल तंत्र से मिलती है आपको ये बताऊ कि हमारे शरीर में ना बहुत सारे मोशन होते हैं बहुत सारी गतिविधियां होती है आप देखिए कि हमारा जो शरीर है ना सत्य इस प्रकार से मोशन करता है अब सोचिए कि हमारे शरीर में जितना भी मोशन हो पा रहा है जितनी गति हो पा रही है क्यों हो पा रही है क्योंकि हमारे शरीर में एक ऐसा तंत्र है जो इन सभी मोशन के लिए जिम्मेदारी लेता है वो कौन सा है मानव का कंकाल तंत्र है इसी तरह से हम देखिए जब बात करेंगे हमारे शरीर में बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं उनको भंडार किया जाता है उनको करते है, तो भंडारित करते हैं मतलब स्टोरेज करते हैं तो हमारे शरीर में फास्फोरस मैग्नीशियम कैल्शियम इन सबका जो स्टोरेज है वो कहाँ पे होता है तो आंसर कंकाल तंत्र में किया जाता है मानव के कंकाल तंत्र के अंदर ही हमारे शरीर में देखिए साथियों यहाँ पे रक्त का निर्माण भी होता है एक्चुअल में देखा जाए तो रक्त नहीं बनता है रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है हमारे शरीर में पाए जाने वाली जो लंबी और मोटी हड्डी होती है मतलब जो लंबी हड्डी है और कैसी मोटी हड्डी है तो लंबी और मोटी हड्डियों के अंदर यहाँ पे साथियों देखिए एक खाली हिस्सा मिलता है जैसे क्या बोलते हैं मज्जा गुहा मैरो कैविटी बोलते हैं इसी कैविटी के अंदर देखिए साथियों पाया जाता है जिसे बोलते हैं बोन मैरो और बोन मैरो को हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा क्या बोलते हैं अस्थि मज्जा बोलते हैं और इसी अस्थि मज्जा में देखिए हमारे आरबीसी बी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है तो हमारे शरीर में आरबीसी है डब्लू है जो प्लेटलेट्स होती हैं, जो रक्त बिहारणु होती हैं। इन सब का फॉर्मेशन कहाँ पर है सभी हड्डियों में ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले लंबी और मोटी हड्डियों में तो हमारे शरीर में पाए जाने वाली लंबी और मोटी हड्डियों में अभी पांच तरह के देखिए डब्ल्यू बीसी है जो मिलते हैं जिसमें लिम्फोसाइट है मोनोसाइट है है बेस्टोफिल्स है और न्यूट्रो न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे देखिए पाए जाते हैं तो ये सब मैं बता चुका हूं कि हमारे शरीर के अंदर हम जब बात करेंगे तो ये रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है ब्लड कार्पल्स का जो फॉर्मेशन होता है ये होता कहां पर साथियों तो ये भी होता है कहाँ पे हमारी अस्थि मज्जा में ये हमारी हड्डियों में होता है इसके अलावा देखिए हमारे शरीर के जो संवेदी अंग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी हमारे कंकाल तंत्र की होती है जैसे आप खुद ही सोचिए कि ब्रेन कितना ज्यादा सेंसिटिव है अगर मस्तिष्क पे चोट लग जाए तो बड़ी समस्या पैदा हो सकती है अब कुछ लोगों का जो दिमाग है साथ घुटने में होता है और ये रीजन है कि घुटने में चोट लग जाने से उनका पूरा का पूरा नियंत्रण खराब हो जाता है मैं ये बताना देखिए साथियों कि जो ब्रेन होता है ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है है ना और ब्रेन को सुरक्षा देने के लिए साथियों पे पाए जाने वाली जो हड्डी होती है उसे बोलते हैं की बोन्स इसे बोलते हैं कपाल की हड्डियां इसी तरह से देखिए हम जब बात करते हैं तो हमारे फेफड़े हो गए हमारा दिल हो गया हमारे फेफड़े और हमारे दिल बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होते हैं तो इनको सुरक्षा देने के लिए देखिए साथियों यहाँ पे रिप्स मिलती है रिप्स और रिप्स को ना इंग्लिश में क्या बोलते हैं रिप्स बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं पसलियां तो ये जो रिब्स होती हैं ये हमारे फेफड़ों को हमारे लंग्स को हमारे हृदय को सुरक्षा प्रदान करती है तो कंकाल तंत्र का काम हमारे शरीर के संवेदी और कोमल अंगों की सुरक्षा करना भी है मतलब ये हमारे शरीर में प्रोटेक्शन देती है किसका सेंसिटिव ऑर्गन्स को तो क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए जल्दी से कि कंकाल तंत्र का काम क्या है तो पहला काम है देखिए साथियों कि हमारे शरीर को सपोर्ट प्रोवाइड कराना दूसरा है हमारे शरीर को देखिए संरचना देना तीसरा है हमारे शरीर में गति प्रदान करना सोचिए जरा अगर मैं आपके पैर से हड्डियां निकाल दूं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके शरीर के अंदर आपके जो पैर हैं पैर अगर आपके लेग्स जो होते हैं उसमें से हड्डियां निकाल दूं क्या तुम गति कर पाओगे मोशन कर पाओगे नहीं कर पाओगे क्योंकि बिना हड्डियों के तुम्हारे पैर कैसे हैं बिल्कुल ऐसे मतलब कैसे लचीले हो जाएंगे तो आप मोशन ही नहीं कर पाओगे तो हमारे शरीर के अंदर जो मोशन होता है देखिए हमारे शरीर में जो गति होती है वो किस कारण से हो पाती है देखिए हमारे शरीर के अंदर कंकाल तंत्र मिलता है और ये कंकाल तंत्र देखा जा सकती है तो हमारे मूवमेंट को अलाउ करता है बोलो सिंपल सी बात है नेक्स्ट पॉइंट देखिए हम यहाँ पे समझते हैं मेक ब्लड सेल्स हमारे शरीर के अंदर के रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है आरबीसी डब्ल्यू प्लेटलेट्स

है ना बेटा सिर्फ क्वालिटी कंटेंट को देखो ठीक है इस एक्सप्रेस सीरीज की फायदा क्या है कि आपने नोटिस किया कि फ्रॉम द डे वन मैं आपको एक घंटे में इतना कुछ पढ़ा के जाता हूं इतना कुछ पढ़ा के जाता हूं जैसे खुद से पढ़ने बैठोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला चलिए आगे चले देखिए तो यहां तक की सारी बातें देखिए मैंने डिटेल्स बता दी है अब जरा यहां पे देखिए बेटा क्या है ना कि आज ना मेरे गले में ना थोड़ा सा कफ की प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा तो थोड़ी सी मेरी आवाज हो सकता है आपको अच्छी ना लगे अगर ना लगे तो माफ कीजिएगा आज थोड़ा सा ना कफ की इशू है बेटा बहुत ज्यादा है ठीक है देखो ये हो ये सारी की सारी बात मैं क्लिक कर दी अब देखिए क्वेश्चन कि मानव के कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है इसे बोलते हैं तो हमारे शरीर में देखिए जो स्केलेटन सिस्टम का स्टडी करते हैं उसे हम ऑस्ट्रोलॉजी बोलते हैं इसके बाद देखिये क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां मिलती है तो मानव शरीर के अंदर देखिए साथियों पाए जाने वाली जो टोटल हड्डी है वो दो होती है एक नॉर्मल वयक्स पुरुष में या महिला के अंदर व्यक्ति में दो सौ हड्डी मिलती है अब इन 206 हड्डियों को हमने दो पार्ट्स में तोड़ दिए पहला होता है देखिए एक्सल स्केलेटन सिस्टम जिसे बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र और दूसरा देखिए साथियों है अनुबंधी कंकाल तंत्र जिसे बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम तो हमारे पास में देखिए दो तरह के स्केलेटन सिस्टम है जो यहाँ पे मिलने वाले हैं एक्सियल और दूसरा कौन सा अपेंडिकुलर अब देखिए एक्सियल की बात करेंगे तो इसमें टोटल 80 हड्डियां मिलती हैं 80 बोन्स मिलती है और जबकि अपेंडिकुलर में देखिए साथियों हूँ वन ट्वेंटी सिक्स बोन्स है जो पाई जाती है अगर बात की जाए देखिए इस प्रकार से तो मैं बता चुका हूं मानव मानव के शरीर में मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हमारी यहाँ पे हड्डियों का अध्ययन होता है उसे हम क्या बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी यहाँ पे दो सौ छह हड्डी मिलती है कहां पर एक सामान्य 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 व्यक्ति में पुरुष में महिला में पुरुष महिला बच्चों के अंदर कहा हड्डी जो होती है बच्चे पांच साल के होते हैं या दो साल के होते हैं या डेढ़ साल के जो बच्चे होते हैं जो मतलब पैदा होने के एक दो साल के बाद मैं करने वाला हूँ तो वहां पे लगभग हड्डियां दिखे दो के आसपास पाई जाती है लेकिन जब नया बच्चा पैदा होता है न्यू बॉर्न बेबी है तो नए बच्चे के अंदर ऑन एन एवरेज मतलब एवरेज बताओ औसतन यहां पे 300 सौ हैं जो मिलने वाली लॉजिकली है तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन देखिए एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं अब आते हैं कि हमारे किसके बारे में देखिए एक्सिल स्केलेटन सिस्टम में जिसके अंदर हम बात करने वाले अक्षीय कंकाल तंत्र की इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए ध्यान से आप देख पाएंगे कि ये जो नीला नीला हिस्सा नजर आएगा इसको हम क्या बोलते हैं तो इसको देखिए बच्चे बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र देखा जाए तो ये सारा का सारा एक एक्सिस की चारों तरफ मिलेगा एक्सिस के अराउंड में है बोलो हाँ ना तो ये हमारा जो तंत्र हैसे बोलते हैं अक्षय कंकाल तंत्र जिसे बोलते हैं एक्सिल स्केलेटन सिस्टम अब अक्षय कंकाल तंत्र में हम तीन चीज की स्टडी करते हैं पहली है खोपड़ी की हड्डी जिसे बोलते हैं स्कलबोल देखो जिसमें हमारा खोपड़ी नजर आएगी आपको दूसरा है साथियों जिसे बोलते हैं रीढ़ की हड्डी मैं ये बताना चाहता हूं कि रीढ़ की हड्डी को बहुत से मेरे छोटे भाई बहन है जो बोलते हैं स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड कॉर्ड एक्चुअल में नहीं होता है उसको हम देखिए बच्चे क्या बोलते हैं कॉलम बोलते हैं क्या बोलते हैं कॉलम बोलते हैं ये समझिए ध्यान से और तीसरा देखिए साथियों जो है वह है पसलियां और मतलब थोड़ा सी केच और स्टनम तो ये हमारी हड्डियां हैं जो यहाँ पे मिलने वाली है लॉजिकली सारी बातें तो इनके बारे में हम जरा पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मिलती है तो ये हमारा देखिए बेटा कौन सा है तो ये हमारा एक्सल स्केलेटन सिस्टम है

और क्रेनियल को बेटा हिंदी में बोलते हैं कपाल क्या बोलते हैं कपाल तो कितनी हड्डियां हैं आती जो आपके कपाल का निर्माण करती हैं आठ हड्डियां हैं इसी तरह से देखिए चौदह हड्डियां हैं जो हमारे चेहरे का निर्माण करती हैं और जिसको हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं फेसियल बोन्स बोलते हैं इसी प्रकार से छह हड्डियां होती हैं साथियों जो हमारे कान का निर्माण करती हैं और कान का निर्माण करने वाली हड्डी को बोलते हैं ऑडिटरी बोन्स क्या बोलते हैं ऑडिटरी बोन्स बोलते हैं और एक हड्डी होती है साथियों जो हमारे गले में पाई जाती है और उस हड्डी को बोलते हैं हायर्ड क्या बोलते हैं हायर्ड बोलते हैं इस तरह से हम जब कैलकुलेट करेंगे ना तो एक कपाल के अंदर यहाँ पे टोटल ट्वेंटी नाइन बोन्स है जो मिलने वाली है जिसमें देखिए आठ कहां पे साथियों हमारे कपाल के अंदर मिलती है मतलब खोपड़ी में कितनी है ट्वेंटी

अब ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो सिंपल सी बात है कि थोड़ी भी चोट लग जाने पर इस पे बहुत बुरा पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है तो हमारे ब्रेन को सुरक्षा देने के लिए साथियों पे जो ऊपर की तरफ पाए जाने वाली बोन्स होती हैं इसी बोन्स को हम क्या बोलते हैं कपाल की हड्डियां बोलते हैं तो कपाल की जो हड्डियां हैं ये मिलती है कहां पर तो ये मिलती है हमारे स्कल के ऊपर वाले हिस्से में हमारी जो खोपड़ी होती है तो खोपड़ी के ऊपर वाले हिस्से में कौन सी हड्डी मिलती है तो आंसर है कपाल की हड्डियां पाई जाती है अब ये जो कपाल की हड्डियां होती है ये टोटल देखिए बेटा सिक्स टाइप की बोन्स से बनती है मतलब यहां पे छह तरह की हड्डियों से बनती है जिसमें टोटल कितनी बोन्स होती हैं? तो टोटल देखिए बेटा आठ हड्डियां हैं जो मिलती हैं तो क्वेश्चन बन सकता है कि छह प्रकार की आठ हड्डियों से यहाँ पे हमारे कपाल का निर्माण होता है बहुत प्यारा देखिए पॉइंट है जो बन जाता है एग्जामिनेशन के अंदर देखिए लॉजिकली सारी बातें अब मुद्दा ये बनता है कि कौन कौन सी हड्डी कैसे कैसे पाई जाती है देखिए तो हमारे कपाल के अंदर ना यहाँ पे सबसे पहले बेटा मिलती है सामने की तरफ देखिए एक हड्डी जिससे बोलते हैं माथे की हड्डी बोलो ना तो ये जो माथे की हड्डी मिलती है ये जो मिलता है सामने वाला हिस्सा इससे बोलते हैं फ्रंटल बोन और फ्रंटल बोन देखिए एक मिलती है लॉजिकली है इसके बाद देखिए साथियों आपको दो बोन्स मिलती है जिसका नाम है पैराटल आप देखिए से एक मिलता है दाया मस्तिष्क में एक मिलता है बाया मस्तिष्क में में देखा जाए तो हमारा ब्रेन ना दो प्रकार से होता है एक होता है लेफ्ट ब्रेन एक होता है राइट ब्रेन दाया मस्तिष्क और बाया मस्तिष्क तो ये जो दाया मस्तिष्क और बाया मस्तिष्क है ये एक्चुअल में जिसको प्रोटेक्शन दी जाती है इसको जो प्रोटेक्शन मिलती है वो कहां से मिलती है पैराटल से मिलती है और क्वेश्चन बनता है कि सर पैराइटल कितनी मिलती है तो पैराइटल मिलती है दो पैराइटल कितनी मिलती है दो मिलती है इसके बाद देखिए साथ में मिलती है टेम्पोरल कौन सी टेम्पोरल हमारे कान जो होते हैं कान की तरफ पाए जाने वाली जो हड्डी उसे बोलते हैं टेम्पोरल तो एक हमारे देखिए लेफ्ट में है एक कहां पे देखिए बेटा राइट में है लॉजिकली है दूसरा देखिए कौन सा ऑक्सीपिटल है आप देखिएगा ध्यान से कि हमारे ब्रेन देखिए हमारे मस्तिष्क की हम जब बात करते हैं तो सुरक्षा नहीं हो पाती क्यों हमारे खोपड़ी के बिल्कुल पीछे की तरफ यहाँ पे हड्डी मिलती है ऑक्सीपिटल अब ये जो हड्डी होती है ना ये पूरी की पूरी डेवलप्ड नहीं होती क्यों नहीं होती भैया डेवलप्ड सोचिए अगर ये हड्डी डेवलप्ड होती तो आप अपनी गर्दन के जो मूवमेंट है वो ऐसे नहीं कर पाते तो ये हमारी गर्दन की जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है और इससे थोड़ा सा खतरा भी मिल जाता है आपने कभी नोटिस किया होगा साथियों की यहाँ पे जो हमारी हेलमेट होती है तो हेलमेट का कौन सा हिस्सा ज्यादा मोटा बनाया जाता है आगे वाला हिस्सा या पीछे वाला हिस्सा देखिए तो भी सिंपल से लॉजिक है कि पीछे वाला हिस्सा ज्यादा मोटा बनाया जाता है बोलो हाँ ना ताकि वो हमें प्रोटेक्शन दे पाए किस हड्डी के विरुद्ध में तो के विरुद्ध में यहाँ पर प्रोटेक्शन दे पाए क्लियर सारी बातें चलो इसी तरह से कि बेटा दो हड्डी मिलती है एक मिलती है स्पिनोइड और एक मिलती है एथमॉइड तो हमारे पास में छह प्रकार की टोटल आठ हड्डियां हैं जो हमारे सुंदर से चेहरे का निर्माण नहीं करती ये हमारे कपाल का निर्माण करती हैं ये हमारे क्रेनियम का फॉर्मेशन करती हैं जो हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है लॉजिक कलियर सारी बातें गलती मत कीजिए अच्छा ये देखो बेटा बताओ जल्दी इसमें कॉमेंट के अंदर कैसे लगे आज के एनिमेशन देखो मैंने ना बेटा बहुत मेहनत की है देखिए इन एनिमेशन के लिए मैं आपको ये बताना

ये क्लास ना बेटा देखो मैं आपको पहले बताता हूं ये क्लास हजारों वाली है हजारों वाली तो ये आपकी जिम्मेदारी है क्यों क्योंकि ये जो कंटेंट है ना ये अलग ही मिलने वाला है आपको बताऊं जो पेड क्लासेस में कंटेंट मिलता है वो कंटेंट आपको हम यहाँ पे एक्सप्रेस सीरीज में दे रहे हैं और सोचिए एक घंटे के अंदर आपको इस तरह से प्रैक्टिस करा, करा रहे हैं या समझा रहे हैं जो आपको शायद मिलने वाला नहीं है अब इस एक घंटा पढ़ के ना ये यकीन कि पूरी पूरे कॉन्सेप्ट की जो क्लैरिटी है वो कर सकते हैं देखिए हिंदी इंग्लिश इज नॉट द मैटर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आज जो मैटर ही नहीं करता आज सारी सारी क्लास देखने के लिए ठीक है बेटा तुम्हारे कॉमेंट का रिप्लाई मैं बाद में करूंगा क्योंकि होता क्या देखो कल की क्लास में खराब हो गई थी चक्कर में मैं कमेंट पढ़ता हूँ नो डाउट ठीक है लेकिन अभी नहीं बेटा बाद में पढ़ेंगे ठीक है सबके सब अब जरा यहाँ पे देख दीजिए सबके सब, सब. <coughs> एक तो क्या मेरा एक गला खराब हो गया आज तो <coughs> बेटा एक मिनट ठीक है प्लीज जल्दी से लाइक शेयर कर दो सबके सब चलिए साथियों पता है मौसम में परिवर्तन होता है ना तो दिक्कत आ जाती है अब मैं जहाँ पर रहता हूँ बेटा ग्वालियर के क्षेत्र में मैं एक्चुअली मध्य प्रदेश से हूँ तो बेटा वहाँ पे क्या दो से तीन दिन, दिन से भयंकर बारिश हो रही है भैया क्या बात कर रहे हो बसंत ऋतु में बारिश हाँ बेटा हो जाती है कभी कभी तो मौसम चेंज हो गया एकदम से चलिए देखिए अब हम देखिए जब बात करते हैं इस वाले पॉइंट के बारे में क्या देखिए हमारे चेहरे की हड्डी के बारे में अब हमारे सुंदर से प्यारे से चेहरे का जो निर्माण है वो कैसे होता है वो मुद्दा बन जाता है देखिए तो हमारे सुंदर से प्यारे से चेहरे का जो निर्माण होता है वो होता है देखिए बेटा आठ प्रकार की चौदह हड्डियों से मतलब यहाँ पे आठ प्रकार की हड्डी मिलती है जिनकी टोटल वैल्यू कितनी होती है चौदह होती है तो ये कौन कौन सी हड्डी है देखिए वूमर है जैकोमेटिक है पैलेंटाइन है मैगजिला है है इनफीरियर नजल है लैक्रिमल है और नजल है ये हमारी आठ प्रकार की हड्डी है जो चौदह हड्डी का निर्माण करती है अब इसमें जरा देखिए ध्यान से सुनो सबसे ऊपर पे जबड़ा देखा जबड़ा ये 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 जबड़ा 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 होता, इह, जबड़ा होता होता है है ये ये आप ऐसे पकड़ लोगे तो कोई बोल ही नहीं पाएगा आप जब इसको ऐसे पकड़ लोगे तो कोई इंसान बोल ही नहीं पाएगा तो देखिए यहाँ पे जबड़ा नजर आएगा ये है हमारा ऊपर का जबड़ा और ये देखिए बेटा कौन सा नीचे वाला जबड़ा नजर आया आपको जबड़ा बोलते हैं जैसे अब देखिए ऊपर वाले जबड़े को बच्चे बोलते हैं मैग्जिला क्या बोलते हैं मैग्जिला बोलते हैं जिनकी संख्या दो होती है और नीचे वाले जबड़े को बेटा हम बोलते हैं मैंडिबल जिसकी संख्या कितनी होती है एक होती है तो हमारे पास में दो तरह के जबड़े होते हैं एक होता है मैक्सिला एक होती है मैंडिबल दोनों अलग अलग होते हैं तो मैक्सिला की संख्या दो है मैंडिबल कितने देखिए बेटा एक होते हैं आपको बता दो कि सबसे ज्यादा मोशन करने वाला जो यहाँ पे हड्डी होती है वो कौन सी होती है मैंडिबल होती है सबसे ज्यादा मोशन क्या करती है मैंडिबल करती है और हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी भी कौन सी है मैंडिबल है तो मानव शरीर की स्ट्रोंगेस्ट बोन मतलब मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी

तो इसका फॉर्मेशन बेटा आठ प्रकार की चौदह हड्डियों से होता है जो है मैंने अभी आपको दस मिनट पहले बता दो मिनट पहले, पहले बता दिया देखिए अब हम देखिए बात करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा मजबूत हड्डियों में से पाई जाती है अब आते हैं हमारे कान के अंदर देखिए हमारा कान बिना एक संवेदी अंग होता है जिससे हम सुनते हैं देखते नहीं है सुनते हैं कान से सुना जाता है लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है देखिए साथियों आजकल क्या करते हैं लोग यहाँ पे कान से देखने में ज्यादा बिलीव करते हैं कहीं सुनी बातों पे ज्यादा बिलीव कर ली जाती है लेकिन सुनने में तो कुछ भी आ सकता है है ना जैसे मैं शाहरुख खान हूं यो तो हम जब बात करेंगे यहां पे जरा समझिए छोटा छोटा पॉइंट है देखिए तो हम जब बात करते हैं कि यहां पे कान के बारे में तो कान के अंदर भी हमारी बहुत सी हड्डियां हैं जो मिलती है तो बेसिकली तीन हड्डियां हैं जो मिलने वाली देखिए सबसे पहले आपको मिलती है कौन सी मैलियस बीच में मिलती है इनकस और सबसे नीचे की मिलती है कौन सी बेटे स्टेपिस तो हमारे कान में मतलब हर प्रत्येक कान के अंदर मेरे दोनों कानों में तो हर कान के अंदर यहाँ पे तीन तीन हड्डियां जो मिलती है तो पहली कौन सी मैलियस है दूसरी इनकस है और तीसरी की स्टैपिस मिलती है हमारे शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी वो कौन सी है तो सबसे छोटी साथी जो हड्डी मिलती है वो कौन सी देखिए स्टेपिस है और स्टेपिस हमारे शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी मांसपेशियों में से एक मानी जाती है ये भी फैक्ट आप समझ सकते हैं चलो इसके अलावा देखिए एक हड्डी है जो हमारे गर्दन में मिलती है तो गर्दन में पाए जाने वाली हड्डी को बोलते हैं हार्ड बोन क्या बोलते हैं हार्ड बोन बोलते हैं आपकी जीव होती है जीव टंग आ, ये वाली टंग तो हमारी जो टंग होती है इसका एक हिस्सा फ्री है जो हमारे आगे है एक हिस्सा देखिए पीछे बंधा होता है किससे बंधा होता है इस हार्ड बोन से बंधा होता है आपने कभी नोटिस किया हो ये मैं बता रहा हूं सुना होगा कभी कि जब भी किसी इंसान को फांसी दी जाती है सुननी सुनिया अक्सर सुना होगा ये सब चीजें दिखा कहा होगा तो जब भी किसी इंसान को फांसी दी जाती है तो उसकी जीव बाहर निकल आती है क्यों एक्चुअल में फांसी देने पर देखिए एक आवाज आती है कट ये कट की जो आवाज है ये ये इसी हड्डी के टूटने की होती है और उसके टूटने से देखिए इंसान की जो जीव होती है वो बाहर निकल आती है टंग बाहर निकल आती है ये भी समझिएगा तो मैंने देखिए बता दिया तो ये हमारी बोन है जो आपको देखिए इस प्रकार से मिलने वाली है हमारे गले के अंदर ठीक है तो ये हमारे शरीर में देखिए बेटा पाए जाने वाली खोपड़ी की हड्डियां थी जो मैंने बता दी कि आठ हड्डियां हमारे कपाल का निर्माण करती हैं चौदह हड्डिया देखिए बेटा चेहरे का निर्माण करती हैं, यहाँ पे छह हड्डियाँ देखिए हमारी जो कान का निर्माण करती हैं और एक हड्डी है जो हमारे देखिए तो यहाँ पे हाइड बोन का निर्माण करती है लॉजिकली ये सारी बातें जल्दी बताइए कॉमेंट के अंदर सबके सब इतना बताओ यहां तक बाते की बातें चमकी है कि नहीं चमकी है क्योंकि इसके आगे हम चलने वाले प्रभु बाकी तुम्हारे जो भी कमेंट बेटा करना है तारीफ करनी है जो भी कुछ करना चाहते हो वो आप मुझे क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा ठीक है यहां पे जो करते हो बेटा वो करते हो चैट बॉक्स के अंदर बेटा पीडीएफ सारी आ रही है पीडीएफ सारी आ रही है सारी की सारी दी है कोई भी पीडीएफ मिसिंग नहीं है आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी बच्चा ने बड़ा परेशान किया है पीडीएफ के मामलों में देखो ध्यान से तो हम जब बात करते हैं बच्चे तो आपको सब चीजें यहाँ पे मिलेंगे टेंशन डालो ठीक है अब जरा यहाँ पे देखिए ध्यान से बहुत

दूसरा है थोरासिक, तीसरा है तीसरा चौथा सेक्रम और पांचवा हिस्सा जो आपको नजर नहीं आ रहा होगा यहाँ पे उसे बोलते हैं कॉकिक्स क्या बोलते हैं कॉकिक्स बोलते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी के पांच हिस्से हैं जो मिलने वाले हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी के पांच अलग अलग पार्ट में बनी होती है अब मुद्दा यह बनता है सर कि इसमें कितनी बोन्स होती है जो हमें पाई जाएंगी देखिए

मैं ये बताना चाहता हूं। तो वर्तमान के अंदर हमारे शरीर में कितनी हड्डियां मिलती हैं तो वर्तमान में देखिए मिलती हैं छब्बीस हड्डियां पहले कभी कितनी हुआ करती थी तैतीस हड्डियां हुआ करती थी अब क्वेश्चन बनता बनते छब्बीस कौन कौन सी है तो सात हड्डी बेटा बनती है सर्वाइकल गर्दन में बारह हड्डियां बनती है थोरासिक वक्ष में पांच हड्डियों में बनती है कहां पर कटी में कहां बनती है कटी में सेक्रम में देखिए साथियों कितनी यूज होती है चार होती है और पूछ में कितनी होती है यहाँ पे एक हड्डी का यूज किया जाता है सॉरी एक हड्डी का यूज किस में करते हैं सेक्रम में एक कहां पे यूज करते हैं हम लोग बेटा तो आंसर है यहाँ पे पूछ में यूज करते हैं तो इस तरह से मानव शरीर में, में कितनी हड्डी मिलती है तो मानव शरीर में देखिए बेटा सत्ताईस मिलती है छब्बीस तो मिलती है तो आंसर है मानव शरीर में छब्बीस मिलती है मैमल्स में कितनी मिलती है तैतीस मिलती है कैलकुलेट कर लीजिएगा इजी पॉइंट बन जाएगा इजी इजी पॉइंट है कोई घबराने वाली बात नहीं है देखिए अब आते हैं हैं देखिए देखिए बेटा कहां पे वक्ष के बारे में जिसे बोलते थोड़ा ना पसलियां मिलती है पसलियां जिसे हम बोलते हैं रिप्स केज तो ये पसलियां अब ये जो रिब्स केज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्यों हो जाती है देखिए क्योंकि रिप्स केज हमारे शरीर के अंदर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन की सुरक्षा करती है आप इस बात से देख लीजिए ध्यान से कि हमारा जो दिल है साथियों कितना ज्यादा कीमती होता है हमारे इस दिल की सुरक्षा करने के लिए सामने की तरफ यहां पे हड्डी मिलती है जिसे क्या बोलते हैं स्टर्नम क्या बोलते हैं स्टर्नम एक्चुअल में देखा जाए तो छाती के बिल्कुल बीचों बीच में पाई जाने वाली ये जो हड्डी है इस हड्डी को देखिए बच्चे क्या बोलते हैं स्टर्नम क्या बोलते हैं स्टर्नम बोलते हैं दिखाई दे रहा है आपको तो ये जो बीच में आपको मिलने वाली बोन होती है इसमें क्या बोलते हैं स्टर्नम बोलते हैं तो ये हड्डी आपको देखो यहाँ पे मिलने वाली तो बेटा बड़ा परेशान कर दिया इसने यार आपके साथ कभी होता होगा ना ऐसा कि गला एकदम से जाम हो जाता है दर्द होता है सोचिए फील होगा आपके साथ में जब मौसम में चेंज होता है तो वही कंडीशन मेरे साथ हो रही है मैं जाऊंगा अभी दवाई लेने के लिए बस तुम्हारी क्लास खत्म कर दे बेटा क्या करें देखिए यार तुम्हारी जो नौ नौ बजे की जो जिम्मेदारी होती ना लब 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 है ना तुम्हारी लगभग लगभग देखो बेटा ठीक है साढ़े हो चुके हैं कोई दिक्कत नहीं है साढ़े के आसपास का ट्राइम तो हो ही चुका हमारा बस खत्म करके निकल जाएंगे दस बजे चलाएंगे दवाई लेने के लिए या मेरे लिए मेरे लिए ना बेटा ये क्लास नहीं है पता है मैं झूठ नहीं कह रहा आपसे सुबह जो हमारी हरीश एक्सप्रेस ट्रेन आती है ना ये मेरे लिए क्लास नहीं बेटा ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी से भागा नहीं जाता तो तबीयत तो ऊपर नीचे होती रहती है मेरे छोटे भाई बहनों को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है चलिए धान से तो मैं ये बता रहा था आपको यहाँ पे कि हमारे शरीर के अंदर देखिए यहाँ रिब्स केज है वो पाई जाती है मतलब पसलियां पाई जाती है <सथ> तो ये पसलियां इस प्रकार से मिलेंगी आपको ये नजर आने वाला है <सथ> देखिए तो हमारे शरीर में देखिए बारह जोड़ी पसलियां हैं जो मिलती हैं सर बारह जोड़ी मतलब जोड़ी मतलब दो जोड़ी मतलब दो बेटा जोड़ी का मतलब ही दो होता है जैसे तुम्हारी जोड़ी बनेगी तो तुम और तुम्हारी घर वाली अच्छा घर वाली तो छोड़ो पहले हाँ तुम्हारी महिला मित्र जो भी तुम कहना चाहते हो चलो तो तुम मैं देखिये जोड़ी की बात कर रहा हूँ तो यहां पे जोड़ी बनने वाली तो बारह जोड़ी पसलियां पाई जाती है अब बारह जोड़ी पसलियों को साथियों हमने क्या किया तीन पार्ट में तोड़ दिया पहली होती है ट्रो रिप्स जिसे दूसरा होता है फॉल्स रिप्स और तीसरी होती है फ्लोटिंग रिप्स भैया बनती कैसे कैसे बनाई जाती है दिखे ये साथियों बीच में हमारी स्टर्नम है जिसे बोलते हैं बोलो हाँ ना दिखाई दे रही है बिल्कुल भैया अब ऐसी पसलियां जो सीधे जाके से मिल जाती है उसे बोलते हैं ट्रू ट्रूरिप्स इनकी संख्या देखिए टोटल एक तरफ सात होती है तो टोटल कितनी होती है चौदह फॉल्स रिप्स क्या होती है भैया ऐसी पसलियां जो पहले आपस में मिलेंगी आपस में मिलने के बाद फिर कहा जाती है इसमें मिलती है उसे बोलते हैं फॉल्स रिप्स इनकी संख्या देखिए एक तरफ तीन होती है तो टोटल कितनी होती है छह होती है देखिए टोटल यहाँ पे कितनी होती है छह होती है कुछ ऐसी पसलियां मिलती हैं जो साथियों टनम से जुड़ती है नहीं है देखिए ध्यान से यहाँ पे हमारे पीछे की तरफ पसलियां मिलती हैं जो यहां पे तैरती रहती हैं बोलो ना इन्हें बोलते हैं प्लावी पसलियां और इनको इंग्लिश में कहा जाता है फ्लोटिंग रिप्स तो दो ऐसी पसलियां होती हैं जो हमारे टनम से नहीं जुड़ती है। जिसे हम क्या बोलते हैं फ्लोटिंग रिप्स बोलते हैं और ये मैंने आपको बता चुका हूं और इस तरह से देखिए साथियों हमारा जो वक्ष गुहा है वो बनकर तैयार हो जाता है तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से अक्षय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डी मिलती है तो बेटा खोपड़ी में कितनी हड्डी है तो आंसर ट्वेंटी नाइन बोन्स हैं ठीक है भैया यहाँ पे मेरुदंड में मतलब हमारे रीढ़ की हड्डी में जिसे वर्टिबल कॉलम कहते हैं उसमें कितनी है तो ट्वेंटी सिक्स मिलती है और पसलियों में कितनी पाई जाती है साथियों तो पसलियों में देखिए मिलती ट्वेंटी फाइव आप इन सबको जब गिनोगे ना तो गिनने के बाद के 29, 29 ही है सुनो तो इन सबको गिनने बाद आप जब कहेंगे तो कितनी हड्डी बेटा मिलती है तो यहाँ पे मिलने वाली साथियों हड्डी की जो संख्या वो कितनी होने वाली है तो यहाँ पे मिलने वाली जो बोन्स है वो कितनी है एटी बोन्स है लॉजिकली सारी बातें जल्दी बताइए के समझो अंदर मैंने आपको हर एक हड्डी यहाँ पे बता दी है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है बेटा देखो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं मैं बार बार ज्यादा चिल्ला नहीं पाऊंगा आज <coughs> मुझे बार बार कहने की के आवश्यकता ना पड़े प्लीज पढ़ लो देखो बेटा होता है क्या ना तुम्हारे कमेंट में अभी लेता हूं अब तुम ना अक्सर बहुत से क्वेश्चन अटपटे पूछ देते हो जैसे हम ट्रैक भटक जाते हैं तो पहले जितना मैं पढ़ाने आया हूँ वो मुझे पढ़ाने दो और मुझे मत सिखाओ साथियों मुझे क्या पढ़ाना है मैं जानता हूं मैं क्या पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं पढ़ा रहा तो तुम्हारे कॉमेंट को बेटा समझता हूँ हर चीज को मैं देख रहा हूँ मैं एक बात पहले भी कहता हूँ अभी भी कह रहा हूँ और हमेशा कहूंगा डोंट टीच फादर हाउ टू मेक बेबीज तो बेटा मुझे क्या पढ़ाना है ये पढ़ाने दो ठीक है तुमने मैटर करता है ये सब पढ़ाना क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे हर चीज करेंगे टेंशन <coughs> अरे राम 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 आपसे दिक्कत हुई बहुत ज्यादा <coughs> बेटा एक मिनट पानी पी लो मैं थोड़ा सा चलिए देखिए आगे आगे चले चलिए देखिए ध्यान से अब हम देखिए बात करते हैं साथियों हाँ, ये, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करनी है आपको एक सबसे बड़ी अनाउंसमेंट मैं बता देता हूँ अब बच्चे थोड़ी ज्यादा भी है पहले से देखिए मैं बताऊं देखिए बेटा मैंने क्लास के स्टार्टिंग में एक बात बताई थी आपको क्या बताया था कि आज आपके जो प्यारे साहिल सर हैं उनको पकड़ लेना तो लोग क्यों पकड़ लेना आज साहिल सर के बेटे का जन्मदिन है तो साहिल सर के बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं आपका बड़ा भाई एक छोटा सा देखिए साथियों ऑफर कर्तव्य बनता है कि मैं भी कुछ अच्छा करूं आप लोगों के लिए तो मैं अपनी तरफ से विशेष ऑफर जो चला रहा हूँ ठीक है अपनी तरफ से विशेष ऑफर चला रहा हूँ वो ये है साथियों कि आपको दो दिन के लिए मतलब आज बाईस तारीख और कल तेईस तारीख के लिए

देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूं साथियों जो पहले से पढ़े हैं तो उनके लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा मजेदार है आप में से जो शायद पहली बार भी पढ़ रहा होगा उसको भी बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा लेकिन अगर आपके बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो शायद क्लियर नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि बेटा समय का अभाव होता है हमारे यहाँ पे तो आप हमारे इस फाउंडेशन बैच में आ सकते हैं एक छोटा सा निवेश है जो आपको अपने ऊपर <kuh> करना है लेकिन यकीन मानेगा कि इस निवेश को करने के बाद आपको बहुत फायदा मिलेगा तो मात्र दो दिन के लिए ऑफर चल रहा है साथियों आज के लिए और कल के लिए तो आज 22 फरवरी कल तो 23 फरवरी तो कल रात के लिए ऑफर होने वाला है चलिए शुरू करते देखिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अब हमने देखिए बात की थी पे एक्सल स्केलेटन सिस्टम के बारे में अब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के बारे में देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम देखिए साथियों हमारे हाथ पांव की हड्डियां शामिल होती हैं अब मुद्दा यह बनता है देखिए हाथ और पांव को जोड़ने वाली ये हड्डियां होती है जिनको हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं मेघला क्या बोलते हैं मेघला एक्चुअल में देखा जाए तो होता क्या ये ये हमारा एक्सल स्केलेटन सिस्टम है बोलो हां बिल्कुल भैया तो हमारे हाथ और पांव की हड्डियों को एक्सल स्केलेटन सिस्टम से जोड़ने वाली जो हड्डियां होती हैं उन्हें बोलते हैं गडल्स उन्हें बोलते हैं मेखलाएं है। तो इसमें बहुत कुछ शामिल किया जाता है इसमें किस किस को शामिल करते हैं देखिए तो इसमें देखिए साथियों हम यहाँ पे मेखलाओं को शामिल करते हैं जिसे गडल्स कहा जाता है जैसे देखिए हमारे पाओ को जोड़ने के लिए मिलती है पेल्विक गडल्स जिसे हम श्रोणी मेखला बोलते हैं इसी तरह से ऊपर के हाथ होते हैं जिसे अपर लिम्स कहते हैं यहाँ पे नीचे के पाओ मिलते

और बासठ हड्डियां कहां पे मिलती <coughs> बासठ देखिए बेटा कहां पे मिलती है तो बासठ मिलती है हमारी कहां पर नीचे वाले हिस्से में पाई जाती है ठीक है ये फैक्ट आप यहां पे समझिएगा अब हम देखिए समझते हैं शोडल गर्डल्स के बारे में मेखलाओं के बारे में मेखलाएं क्या होती है डेफिनेशन को जरा समझिए बहुत ही अच्छी तरह से डेफिनेशन यहां पे दी गई है द बोन्स कनेक्टिंग

ती है शोल्डर वाले पार्ट में कहां देखिए शोल्डर वाले पार्ट में और हमारे हाथ को जोड़ने का प्रयास करती है और ये मिलती है कि बड़ा हमारे लेग्स वाले पार्ट में हमारे, हमारे अक्षीय कंकाल तंत्र से जोड़ती है।, तो मैं ये बताना चाहता है कि हमारे पास में दो तरह के गर्डल्स मिलते हैं गर्डल्स मतलब ऐसी बोन्स ऐसी हड्डिया जो जो हमारे अक्षीय कंकाल तंत्र को अनुबंधी कंकाल तंत्र से जोड़ती है उनको हम क्या बोलते हैं गर्डल्स बोलते हैं लॉजिकली सारी बातें चलो अब हम देखिए

और ये हमारे देखिए सामने की तरफ पाई जाती है जिसे बोलते हैं कॉलर बोन आप जहां पे कॉलर लगाते हैं वहां पे पाए जाने वाली बोन है बच्चे कौन सी कॉलर बोन नजर आई इसकी वैल्यू कितनी होती है इसकी संख्या देखिए दो मिलती है तो प्रत्येक शरीर में इसकी संख्या दो पाई जाती है इसी तरह से हमारे कंधे की हड्डी मिलती है तो कंधे की जो हड्डी मिलती है साथियों ही उसके बोलते हैं स्केपुला क्या बोलते हैं स्केपुल्ला वो याद करो एक मूवी आई थी बाहुबली उस मूवी के अंदर यहाँ पे शिवा ने शिवलिंग को उठा लिया था तो शिवान ने शिवलिंग कहां पे उठाया था अपने कंधे पर अपने कंधे पर या अपने यहां पे देखिए बाइचेस पर अपने कंधे पर तो ये कंधे की हड्डी है बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है आप जब यहाँ पे कभी कभी बच्चों को अपने सर, अपने कंधे में बैठा लेते हैं तो एक्चुअल में सारा का सारा वेट कहां पर है आपके शोल्डर्स पर है तो शोल्डर्स में पाए जाने वाली ये जो बोन्स होती से है इसे बोलते हैं कौन सी स्कैपुला। अब सुनिए ध्यान से ये जो क्लैविकल है ना साथियों <coughs> ये जो क्लेविकल है ये मानव शरीर की सबसे सुंदर हड्डी मिलती है ये सी पूछेंगे तो मानव शरीर की सबसे सुंदर हड्डी कौन सी है तो आंसर है क्लेविकल है ये महिलाओं में बहुत सुंदर होती है पुरुषों में बेटा सुंदर नहीं होती है सुनो अब नालायको लोज़ सबके सब महिलाओं के अंदर बहुत ही सुंदर हड्डी होती है पुरुषों में इतनी सुंदर नहीं होती है लेकिन हाँ मानव शरीर की ब्यूटी बोन किसे बोलते हैं तो आंसर है क्लैविकल को बोलते हैं बड़े-बड़े कंपटीशन में साथियों उसके मार्क्स मिलते हैं फैशन कॉम्पिटिशंस के अंदर इसी तरह से के छोटे बच्चे होते हैं ना ये देखो क्या प्यारा बच्चा है तो छोटे बच्चों को आप ऐसे करते हो उ ला, ला 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 उ ला 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 तो उनको मजा तो बहुत आता है लेकिन उनके शरीर में सबसे ज्यादा टूटने वाली जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है तो आंसर क्लेविकल होती है तो छोटे बच्चों में भी ये बोन्स बहुत जल्दी टूट जाती है मैं ये बताना चाहता हूं आपको ठीक है देखिए हम बात करते हैं फिर यहाँ पे कंधे की हड्डी के बारे में कंधे की हड्डी को क्या बोलते हैं स्कैपुला क्या बोलते हैं स्कैपुला लॉजिकली है अब आते देखिए पीछे कहां पर अब आते देखिए अपर लिम के ऊपर जिसे बोलते हैं क्या ऊपर की हड्डियां देखिए अपर लिम की बात करते हैं अपर लिम क्या होता है इसको देखिए ध्यान से हमारे हाथ की बात करेंगे तो हमारे हाथ में बहुत सारी हड्डी है जो मिलने वाली देखिए ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे बेटा देखिए पाए जाने वाली हड्डी को बोलते हैं फिर हमारा नीचे वाला हाथ है नीचे वाले हाथ में तो दो हड्डी मिलती है पहली मिलती है अलना क्या मिलती है अलना और दूसरी देखिए साथियों मिलती है हड्डी जिसे बोलते हैं रेडियस क्या बोलते हैं रेडियस फिर देखिए हमारी मिलती है कलाई कलाई के अंदर साथियों मिलती है हड्डी जिसे बोलते हैं कार्पल्स फिर मिलता है पंजा पंजे में पाई जाती है जिसे बोलते हैं मेटाकार्पल्स और फिर हमारी उंगलियां हैं उंगलियों को बोलते हैं उंगलियों के साथ इस तरह से हमारे हाथ में हड्डियां हैं जो मिलती हैं मैं एक काम करता हूं आपको सारा का सारा एनिमेशन के माध्यम से समझा देता हूं देखिए <coughs> <coughs> हे राम 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 बड़ा बड़ी समस्या वाली बात हो आज तो मतलब मैं लिटरेली बता रहा हूं इतना टाइम हो गया मुझे पढ़ाते हुए लेकिन आज जो मेरा गला दर्द कर रहा है ना भाई साहब ऐसा लगेगा गला कट के बाहर आ जाएगा मेरा चलिए बेटा क्या करें यार बेटा आराम कर लेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आराम कर लेंगे दवाई खा लेंगे सब खा लेंगे क्लास खत्म कर दें है ना ज्यादा नहीं बचा बस थोड़ा सा समय बचा हुआ है है ना चलिए तो यहां देखिए अब हम देखिए जब बात करते हैं तो मैंने बताया कि हाथ की हड्डियां हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं अपर लिम्स बोलते हैं अब अपर लिम्स के अंदर बहुत सारी बोन्स बोनस है जो मिलती हैं उनके बाद जरा समझते हैं कि किस प्रकार से देखिए बोन्स है जो मिलने वाली हैं तो सबसे ऊपर देखिए बेटा मिलने वाली जो हड्डी होती है इसे बोलते 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 हैं बोलते हैं हैं ह्यूमरस ह्यूमरस क्या ये हमारी कहाँ मिलती है बाइचस वाले पोर्शन मिलती है इसके बाद देखिए साथियों आपको नीचे यहाँ पे दो बोन्स है जो मिलने वाली हैं तो एक होती है रेडियस एक होती है अल्ला तो आपको देखिए नीचे दो बोन्स मिलने की एक मिलती है बच्चे देखिए कौन सी रेडियस मिलती है और दूसरी देखिए साथियों मिलने वाली जो बोन है वो कौन सी है अल्ना है अब मुद्दा यह बनता है कि कहां पे रेडियस है कहां पे अलना है ये बता दीजिए देखिए आपने कभी अपनी उंगली को ऐसे किया है स्वैग 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 बोलते ना हो रहा है। है ये तो का जो साइन बनता तो अंगूठी की तरफ साथियों रेडियस और आपकी ये जो छोटी सी हड्डी होती है छिंगी इसकी तरफ जाने वाली जो हड्डी है उसे बोलते हैं कौन सी देखिए अल्लाह क्या बोलते हैं अल्लाह लॉजिकली है इसके बाद देखिए आता है हमारा क्या हाथ की कलाई तो हमारी हाथ की जो रिस्ट होती है रिस्ट तो देखिए रिस्ट को देखिए हम क्या बोलते हैं साथियों कार्पल्स क्या बोलते हैं कार्पल्स बोलते हैं और कार्पल्स का फॉर्मेशन यहाँ पे आठ प्रकार की बोन्स होता है तो हमारे हाथ की कलाई में कितनी बोन्स मिलती हैं तो आंसर है आठ हड्डियां जो मिलती हैं यहाँ पे समझिएगा फिर देखिए आता है हमारा कौन सा पंजा तो हमारे हाथ का जो पंजा बनता है साथियों उसे बोलते हैं मेटा कार्पल्स तो मैटा कार्पल्स में कितनी बोन्स होती हैं तो बोन्स होती है यहाँ तो पे कितनी पांच ये भी समझिएगा ध्यान से ये हाथ का पंजा है जो नजर आने वाला है इसके अलावा देखिए साथियों हमारी होती है उंगलियां अब देखिए चार उंगलियां हैं और एक हमारा अंगूठा है और जी है तो चार उंगलियां एक अंगूठा ये आप यहाँ पे समझिएगा अब इनके अंदर जो मिलने वाली बोन्स होती है वो अलग अलग होती है तो देखिये चार उंगलियों के अंदर यहाँ पे तीन बोन्स मिलती है तो टोटल यहाँ पे बारह और एक अंगूठे में के दो हड्डी मिलती है तो टोटल यहाँ पे दो है तो टोटल यहाँ पे हड्डियां कितनी बेटा चौदह मिल जाती हैं तो फ्लेंजेस फ्लेंजेस मतलब उंगलियों की मैं बात करता हूं तो मनुष्य के शरीर में कितनी उंगलियां मिलती है तो आंसर है चौदह उंगलियां मिलती हैं इस तरह से हमारे एक हाथ में मतलब एक लिंब में एक लिंब में मतलब एक हाथ में हाथ की हम जब बात करते हैं तो एक हाथ में बेटा तीस बोन्स मिलती है तो सिंपल सी बात को जरा समझिए कि दो हाथ में कितनी मिलेंगी ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर वाली बात है तो ये दो हैंड में बेटा कितनी देखिए मिलती है ये मूवी देखी थी तुमने शोले याद करो उसमें गब्बर ने ना ठाकुर के हाथ काट दिए थे दोनों हाथ काट दिए थे अब ये बताओ मुझे हाथ कहां से काटे थे यहां से कटे थे कंधे कटे थे भैया सिंपल सी बात है हाथ काटे थे उसने कंधे नहीं काटे थे अगर कंधे काटता तो भी ये वो जो ठाकुर है था, तो गब्बर ने बड़ी स्टेचिकली उसके हाथ काटे हैं उसने बोला कि तीस हड्डी यहां से कम करूंगा तीस हड्डी यहां से कम करूंगा तो मतलब टोटल उसके शरीर से कितनी हड्डी कम कर दी साठ हड्डियां कम कर दी क्योंकि उसने हाथ कहां से काटे ह्यूमरस से काटे उसका हाथ से से कटा? से कटा। ह्यूमरस चलिए देखिए अब हम बात करते हैं श्रोणी मेकला के बारे में जिसे बोलते हैं पेल्विक गर्डल्स देखिये जहां से ये देखिए बच्चे हमारी वर्टिब्रल कॉलम है जिसको हम सिंपल सी भाषा में देखिए रीढ़ की हड्डी बोलते हैं और ये हमारी देखिए पैर की हड्डी है अब रीढ़ की हड्डी और पैर की हड्डी को जोड़ने के लिए ये जो हड्डी है साथियों मिलती है इसे हम क्या बोलते हैं पैल्विक गडल्स ये श्रोणी मेखला बोलते हैं भैया कहाँ पे मिलती है कैसे मिलती है बताना देखिए छोटा सा पॉइंट है आप कभी कभी ना कभी ऐसे खड़े होते हैं पोज देते समय कि आपका जो हाथ है इस तरह से खड़ा हो इस तरह से होता है तो आपके हाथ देखिए इस समय जो पोज दे रहे हैं ऐसे जो पोज दे रहे हैं, इस समय साथियों आपके हाथ कहां पर है तो आंसर है पेल्विक गर्डल्स पर है कहां पर है पेल्विक गर्डल्स पे लॉजिकली ये सारी बातें तो पेल्विक गर्डल्स की हम जब बात करते हैं तो पेल्विक गर्डल्स में बहुत सारी हड्डी मिलती है जिसको हम बेसिकली हिप बोन कहते हैं अब इस इस हिप बोन के तीन पार्ट्स मिलेंगे तो सबसे पहला देखिए बड़ा पार्ट है जिसे बोलते हैं इलियम फिर यहाँ पे दूसरा पार्ट मिलता है जिसे बोलते हैं प्यूबिक और तीसरा देखिए साथ पार्ट है जिसे बोलते हैं ईशियम तो यहाँ पे तीन पार्ट से जो मिलने वाले हैं पहला कौन सा इलियम दूसरा प्यूबिक और तीसरा कौन सा एशियम ये तीन पार्ट से देखिए जो इसके मिलते हैं अब इसके बाद हमारे पैर की जो हड्डी है वो शुरू हो जाती है कि पैर की हड्डियां कैसी हैं किस प्रकार से उनको देखिए ध्यान से तो मैं ये बताना चाहता हूँ देखिए सबसे पहले कि सबसे पहले देखिए बेटा हमारी जांगी आती है और जांगों को हम क्या बोलते हैं थाइस बोलते हैं फिर हमारा घुटना होता है जिसे हम नी बोलते हैं फिर हमारा पैर होता है जिसे हम लेग बोलते हैं फिर देखिए हमारा यहाँ पे देखिए एंगल आता है जिसे हम क्या बोलते हैं टकना तो टकना है हमारा एंगल होता है और फिर हमारा पंजा आता है जिसे हम फुट बोलते हैं लॉजिकली तो इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बोन्स है जो मिलती है अब कौन कौन सी बोन्स कैसे मिलती है उनको बता रहा हूँ देखिए ध्यान से हमारी जांग में जाती हो पाई जाती है फीमर जो हमारे शरीर की देखिये बेटा सबसे लॉन्गेस्ट बोन है कौन सी लॉन्गेस्ट बोन है देखिए तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है फीमर होती है तो मानव शरीर की जो लॉन्गेस्ट बोन है, है वो कौन सी फीमर है रहे देखो तो ये ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है जो यहाँ पे आपको मिलने वाली है लॉजिकली सारी बातें गलती मत कीजिएगा वे देखिए साथियों आते हैं घुटने पर हमारे घुटने के अंदर यहाँ पे पाई जाती है एक हड्डी जिसे बोलते हैं पटेला क्या बोलते हैं पटेला तो हमारे घुटने के अंदर साथियों जो मिलने वाली बोन होती है उसे क्या बोलते हैं पटेला बोलते हैं आप यहां पे देख पाएंगे एक्चुअल में देखा जाए तो जो पटेला होती है ना वो लिंगामेंट का उदाहरण है किसका लिंगामेंट का उदाहरण है इट्स अ काइंड ऑफ द लिंगामेंट अभी हम पढ़ेंगे क्यों नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगा मैं आपको अभी आज क्योंकि ये तंत्र आज हो नहीं पाएगा इतना तो ठीक है

बेटा होता क्या ना कि जब बार बार कंसेंट्रेशन खराब होता है ना तो क्लास खराब हो जाती है आज पहली बार मैं अपनी क्लास से अनसेटिफाइड हुआ पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ में मतलब लिटरली मैं वो कनेक्शन फील ही नहीं कर पा रहा आपके साथ आज और आप भी नहीं कर पा रहे होंगे लेकिन कोशिश कीजिएगा साथियों हम प्रयास तो कर ही रहे हैं देखिए आज बेटा मेरी क्लास में देखना आज मेरी नियत को देखना कि भैया इतनी प्रॉब्लम में होने के बावजूद भी क्लास ले रहे हैं ये मेरा डेडिकेशन आप लोगों के प्रति मतलब मैं भी बोल सकता था, था ना कि चलो छोड़ो यार बंद करते हैं क्लास को क्या ही मतलब है आज तबीयत ज्यादा सही नहीं है और मुझे लगता है मैंने क्लास के बाद शायद तबीयत और खराब कर दी आज अपनी <coughs> क्या करे यार तुम लोग बहुत ज्यादा पागल हु पता समझ तो तुम लोग मेरा बहुत बड़ा परिवार हो यार मैं झूठ नहीं कह रहा बहुत प्यार करता हूँ मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ जरा अभी यहां देखे देखिए हम शायद पिबुला पे थे ना तो हमारे देखिए दो हड्डी मिलती है टीबी और दूसरी बच्चे कौन सी है। तो टीबी और हमारे पास में दो हड्डी है, जो मिलने वाली है। इसके और इस पैर के टकने की हम जब बात करते हैं इसे बेटा बोलते हैं टार्सल्स क्या बोलते हैं टार्सल्स बोलते हैं इसमें देखिए कितनी हड्डी होती है बेटा तो इसमें देखिए टोटल मिलती है सात हड्डियां हाथ की कलाई में कितनी मिलती है आठ हड्डियां यहां पे कितनी मिलती है सात हड्डियां मिलती हैं ठीक है देखिए पैर का पंजा इस पैर के पंजे की बात करते हैं तो पैर के पंजे को बोलते हैं मेटाटार्सल्स इसमें कितनी मिलती है पांच हड्डियां मिलती है फिर हमारी आती है पैर की उंगलियां जिसे बोलते हैं फ्लेंजस क्या बोलते हैं फ्लेंजस जिसमें चौदह हड्डियां होती है और इस तरह से गिनोगे ना तो हमारे एक शरीर में देखी जाती है हमारे एक पाव में कितनी हड्डी है तो तीस हड्डियां हैं तो दोनों पावे में कितनी होंगी तो दोनों पाँव में देखिए बेटा साठ हड्डियां हैं जो मिलने वाली हैं तो मैंने देखी जाती हूँ आपको हर एक हड्डी के बारे में बता दिया बहुत बढ़िया तरीके से आपकी जितनी भी बोन्स थी वो सारी सारी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है उम्मीद करता हूं आपको यहां तक का पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा साथियों अब एक बात को सुनो आज मैं आपको इसमें इतना ही तो मुझे कराने तो बहुत सारे थे लेकिन समय हो गया हमारे देखिए दूसरी क्लास का तो दूसरी क्लास भी आने वाली है आकर सर भी आने वाले हैं और ये भी हो भी नहीं पाएगा क्योंकि आज क्या हुआ साथियों मैं अपने गले की तबियत के कारण अपनी स्पीड नहीं बना पाया वरना मैं बहुत स्पीड में पढ़ाने वाला था प्रैक्टिस भी कराने वाला था लेकिन आज हो नहीं पाया तो आज मैं एक ही हिस्सा कर पाया मैं इसका नेक्स्ट क्लास करा दूंगा नेक्स्ट पार्ट करा दूंगा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आज थोड़ा सा कॉपरेट कर लेंगे आज आप देख रहे हैं पहली बार कि भैया ऐसा बोल रहे हैं आपसे कॉपरेट करने के लिए क्योंकि तो वास्तव में मेरे बेटा देखिए स्पीड पकड़नी थी वो नहीं पकड़ पाया क्योंकि तो आज थोड़ी सी दिक्कत होगी मेरे गले के अंदर ठीक है तो आज हम इसमें करते हैं मैं ये कहता हूँ ऐसे ही पढ़िए इसी तरह से पढ़िए और आपकी आप देखिए आकाश एक्सप्रेस ट्रेन का समय हो चुका है तो पांच मिनट के बाद देखिए आपकी जो आकाश एक्सप्रेस ट्रेन है वो आने वाली है बढ़िया तरीके से पढ़ेगा कोई दिक्कत नहीं होने वाली और दस बजे साथियों साथ आकाश सर आने वाले हैं बहुत ही शानदार रीजनिंग क्लास को लेकर ग्यारह बजे देखिए साथियों आपके साहिल भैया आने वाले हैं साहिल सर आने वाले हैं और तुम आज साहल सर को पकड़ लेना चुके सब ठीक है पकड़ लेना हैप्पी बर्थडे बोल देना क्यों क्योंकि साहिल सर के बेटा बेटे का जन्मदिन है तो साहिल सर सा का भी जन्मदिन है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एक ही बात है है ना तो ये सब बातें है तो मैं बता चुका हूं आपको बहुत बड़ी तरीके से कि आज और कल के लिए 22 और 23 फरवरी के लिए साथियों आपकी हरीश भैया के बैच पर एक बहुत ही बेहतरीन ऑफ मिलने वाला है आप इस बैच को बेटा प्राप्त कर सकते हैं मात्र तीन सौ निन्यानवे में सिर्फ आज और कल के लिए मैं बार बार ये ऑफर नहीं चलाने वाला पहले क्लिक करने वाला तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं और यदि बहुत बढ़िया साइंस पढ़ना चाहते हैं कतई जहर साइंस पढ़ना चाहते हैं ऐसी साइंस दोबारा कभी भैया किसी भी एग्जाम के लिए साइंस को पढ़ने की जरूरत ना पड़े आपको हर चीज मिलेगी बेटा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग इसमें शामिल नहीं है ये सिर्फ साइंस फाउंडेशन है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग अलग होती है और ये साइंस फाउंडेशन अलग होता है मैं पहले क्लिक करना चाहता हूँ ये था साथियों आज का तो हम कल मिलेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से अब देखिए साथियों मेरा गलत हो गया पूरा जाम आप फाउंडेशन को तैयार कर लीजिएगा जो भी कमी रही हो बेटा आज इग्नोर कर दीजिएगा आज के दिन इग्नोर कर दीजिएगा मैं जनरली ऐसा नहीं पढ़ाता हूँ आपको पता ही है भैया बढ़िया बढ़िया है पढ़ाते हैं तो एक बारेरव कर दीजिएगा सबके सब अभी भी हजार लाइक पूरे नहीं हुए आपके तो मेरे सभी छोटे भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मुझे आपके प्यारे प्यारे कॉमेंट्स चाहिए तो मिलते हैं साथियों कल की क्लास में तब तक लिए जय हिंद जय भारत राधे राधे